अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मैच के हीरो ख्वाजा नाफे, द डिम्पल बॉय, द 21-year-old बॉय हैज़ परफॉर्म्ड रियली 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 वेल एंड अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ शाहीन, मतलब जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है जिसमें शाहीन है, हारिस हैं। ऑल्दो दे आर नॉट ऑन देयर पीक टाइम, बट स्टिल बहुत ही एक नाम है हारिस का, शाहीन का। इवन जमान खान इज़ सो मतलब ही सो फेमस कि वो डेथ की अच्छी बॉलिंग कराते हैं, यॉर्कर्स ऑन स्पॉट होते हैं उनके। सो इस बॉलिंग अटैक के सामने सिकंदर रज़ा इज़ ऑल्सो देम, तो इस बॉलिंग अटैक के सामने ही वॉज माइंड ब्लोइंग एंड के बहुत ही अच्छी उन्होंने इनिंग खेली है। और खैर इतना ज़्यादा हम उनकी इस परफॉर्मेंस पे खुश नहीं हो सकते, या इतना ज़्यादा हम उनको बहुत ही हाईली अप्रिशिएट हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इज़ अ यंग गन, सो उनको करना चाहिए, अप्रिसिएशन हमें देना चाहिए। बट वही बात है कि भाई जो पिचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बैटिंग को फेवर कर रही हैं, बैट्समैन को फेवर कर रही हैं, तो ये भी खैर एक फैक्टर हो सकता है। बट स्टिल अच्छी टाइमिंग के साथ भी उन्होंने खेला है एंड इस बार खैर PSL में बहुत ही शॉर्टर बाउंड्रीज भी नहीं है, बाउंड्रीज आर ओके, क्वाइट गुड। मैं कहती हूँ कि इससे भी अगर आप थोड़ी बड़ी कर सकते हो तो कर दो, बिकॉज पिच आपने बिल्कुल ही बट्टा बना दी है। तो पिच भी खैर थोड़ा सा नए बॉल से तो एटलीस्ट कुछ सीम एंड स्विंग मिलना चाहिए, तो ये चीज़ भी खैर PCB को देखनी चाहिए। बट खैर चलो, अब जो भी खैर उन्होंने किया है आगे, आई थिंक उनको ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए, यानी जो पिच है वो थोड़ी सी है कि सपोर्टिव हो हर चीज़ को, हर मतलब बैट्समैन बॉलर सबको सपोर्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उससे आपको ज़्यादा अच्छा टैलेंट भी मिल सकेगा इन बोथ, यानी बैटर्स भी आपको अच्छे मिल सकेंगे एंड बॉलर्स भी आपको अच्छे मिल सकेंगे। इससे अगर आप बैटर्स को कॉन्फिडेंस दे भी दोगे, आप इंटरनेशनल में उनको खिला भी दोगे, जिस तरह से हमने लास्ट ईयर किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, PSL के शेयर हमने उठा के ले गए थे जो वहाँ जाके ढेर हो गए थे अफगानिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के आगे, और डेफिनेटली पिचेस भी शार्जा की थी टर्निंग ट्रैक से, तो मतलब पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गए थे। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, तरीके से है कि हमें इनको यूज़ करना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा लाइमलाइट अभी नहीं देनी है हमें ख्वाजा नाफे को। अब BPSL में भी है कि मजीद उनको देखना है, बट या ही इज़ अ गुड टैलेंट, और है कि नो लुक शॉट उन्होंने लगाया एंड सब कह रहे हैं कि साइम का अपग्रेडेड वर्जन है। सो साइम की ही अकेडमी से हैं वो, KCA में दोनों साथ खेलते हैं, जो उनके कोच साहब हैं आज़म भाई, उसने बार बार मेंशन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खैर उसने की है, उसमें भी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी कवर करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या क्या बातें की हैं। बट अभी हम उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रिकॉर्ड भी बना दिया है मोहतरम ने PSL में, अब तक कुछ 829 प्लस कुछ इनिंग्स हो चुकी हैं एंड उसमें ही इज़ ओनली बैटर जिसने अपने के जस्ट एक ही डॉट बॉल खेली है और इतनी बड़ी इनिंग उसने खेल ली है। सो ये एक रिकॉर्ड उसके नाम पर है एंड है कि इंस्परेशन, खैर डेफिनेटली हर यंगस्टर की इंस्परेशन है द किंग द ग्रेट बाबर आजम, तो उन्होंने भी कहा कि भाई बाबर आजम ही इंस्परेशन है, जिस तरह से वो हार्डवर्क करते हैं, जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं ऑन द डे, तो मैं भी खैर उसी तरह से हार्डवर्क करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऑन द गिविंग डे उन्हीं की तरह डिलीवर करूँ, उन्हीं की तरह कंसिस्टेंट रहूँ, उन्हीं की तरह हार्डवर्क करूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट भाई, अच्छी अच्छे शख्स को आपने आइडियलाइज किया है एंड जो उसकी सीख है या जो वो सिखा रहे हैं या जो वो एक लेगेसी सेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसी लेगेसी पर चलें। सो आप भी है कि फेमस हो सकते हैं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइक बाबर आजम इंशाल्लाह। और खैर इसके अलावा सरफराज अहमद ने बहुत ज़्यादा उनको प्रेस किया है एंड रॉयल रोसो ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया है उनको, एंड है कि रॉयल रोसो ने बाय द वे सऊद शकील को भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया है एंड शाहीन ने अप्रिशिएट किया उनको ड्यूरिंग द मैच, आफ्टर द मैच उन्होंने भी है उन्होंने अप्रिशिएट किया जो ख्वाजा नाफे साहब हैं उनको, एंड आयन बिशप का कहना है कि भाई इज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड बहुत ही ज़्यादा एक है कि रिस्क बेशक लेते हैं और फ्यरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं, सो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टैलेंट है, फ्यूचर स्टार है, दिस दैट, मतलब हर किसी ने बहुत ही ज़्यादा है कि प्रेस किया है उनको। और सरफराज खान ने खैर एक मतलब आज ही खैर वो आफ्टर द मैच वो बात करे तो इसे कि फेसबुक से उनको हमने पिक किया है, फेसबुक से उस पे उसने अपलोड की थी वीडियोज़ वगैरह तो वहाँ से किया है, बट द मेन थिंग फेसबुक से नहीं हुआ है, जो राशिद लतीफ अकेडमी है वहाँ से खैर ये मोहतरम आए हैं एंड KCA की उन्होंने बात की,
एंड अपने कोचेस वगैरह की बात की, सो वही बात है कि डेफिनेटली बिल्कुल एक नया वो टैलेंट नहीं है, एक तरह से सिस्टम से होता हुआ है, यानी क्लब क्रिकेट के लिए एकेडमी है। और वो उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई साइमन में एक साथ ही होते हैं KCM में, एंड हमारे कोच भी एक साथ है, तो डो लुक शॉर्ट, और जो स्टाइल है वो है कि मोर लेस साइम जैसा ही था। सो है कि अच्छी बात है भाई, साइम का अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है उनको। भाई साइम ने भी अभी तक कुछ ज़्यादा अचीव तो नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे, और लीग लेवल पे भी मैं कहूँगी कि इतना कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, अभी तो उनको बहुत कुछ अचीव करना है। बट स्टिल है कि हमारे यहाँ तो ये होता ही है ना भाई, कंपेरिजन और मिलाना कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो मियादाद बन गया, ये तो इंजमाम बन गया, ये तो ये बन गया, ये तो वो बन गया। तो लग रहा है कि आगे भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दें और आगे भी इसी तरह से कंसिस्टेंट रहे। अभी तो वर्ल्ड वाइड ख्वाजा नाफे यही नाम की गूंज है तमाम जो भी क्रिकेट फ्रेटर्निटीज हैं उसमें। बट आगे खैर देखेंगे कि वो PSL में कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं, क्या उनकी एक है के रहती है इधर, क्योंकि इन पिचेस में टाइमिंग का काम है ज़्यादा। और एंड आई एम अगेन सेइंग कि भाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट सीरीज के लिए उसको पिक कर लो या उसको फॉरन से खिला लो पाकिस्तान के लिए, एंड फिर वहाँ जाके अगर वो फेल हो तो फिर उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शैटर्ड होगा। बट एक प्रोसेस के तहत आपको अगर उसको चलाएं, थोड़ा सा उसको पॉलिश करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, वनडे का खिलाएं, जो भी डोमेस्टिक वगैरह है जो क्लब क्रिकेट है वो उसको खिलाएं, पॉलिश करें उसको, उसको पाकिस्तान ए के साथ टूर कराएं, तो आई थिंक वो मजीद पॉलिश होगा और फिर उसको पाकिस्तान की टीम में लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरे पास एग्री करते हो तो कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।